देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार की नई सरकार में कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे। इस दिशा में मंथन का दौर भी जारी है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है कि किसे मंत्री बनाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने है, जहां मंत्री पद के दावेदार की संख्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है। सरकार में कांग्रेस की भागीदारी सबसे कम होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 19 विधायक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 19 में से 12 विधायकों ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ये दावेदारी बिहार भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से लेकर आला कमान तक पेश की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि 15 अगस्त के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ही महागठबंधन के दूसरे सहयोगी अपने कोटे के मंत्रियों का नाम फाइनल करने में लग गए हैं। प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव मंत्रियों के संभावित नाम लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच चुके हैं। तो उधर महागठबंधन की दूसरी प्रमुख सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बिहार भक्ति प्रभारी भक्त चरण दास जी संभावित नामों की सूची लेख करके पार्टी हाईकमान के पास दिल्ली पहुंच गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार या रविवार को मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने की दावेदारी से पार्टी के बड़े नेता कैसे निजात पा सकेंगे। सूत्रों की माने तो 19 में से 12 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी मंत्री अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पुराने नामों को छोड़ भी दिया जाए तो भी नए नामों में कई लोग सामने आ चुके हैं। इन नामों को राजा पाकड़ से प्रतिमा दास तो बक्सर से मुन्ना तिवारी, करगा से संजीव मिश्रा और तमाम बड़े नेता जो है वो इसमें मुख्य तौर पर शामिल है। इनके अलावा 2 विधान परिषद भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। एक साथ लगभग 1 दर्जन दावेदारों के खड़ा होने से पार्टी में असमंजस की स्थिति बन गई है। मुश्किलों का समाधान ढूंढने के लिए पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में हैं। शनिवार की दोपहर तक नेताओं की मुलाकात सोनिया और राहुल गांधी से होनी है। इसके बाद ये तय होगा कि 1 दर्जन नामों में से कौन से ऐसे नाम हैं जो मंत्री पद पाने में सफल रहे और कौन पीछे छूट गए। फिलहाल कांग्रेस अंदरूनी राजनीति की हार को लेकर दिल्ली तक तेज हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना यही होगा कि इस राजनीति के मजे कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है कि चारों तरफ जो सरगर्मी है उस सरगर्मी का असर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस क्या चुनौती पेश करेगी नीतीश के सामने और नीतीश कुमार उससे कैसे निजात पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस असमंजस से आखिरकार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी कैसे बाहर निकलेंगे। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।